रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में बड़ी लापरवाही, दो दिनों के अंदर हो गई 26 मौत। कैसे? जयपुर। झारखंड देश के कम यायु कहें कि बहुत ही कम विकसित राज्यों में से एक है। यहां पर विकास की गति के लिए कई काम कराए जाने की बात की जाती रही है, लेकिन आज भी राज्य के कई इलाकों में विकास ने अपनी गति को थामे रखा है। झारखंड की राजधानी है रांची। रांची में राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है रिम्स, यानी कि राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। रिम्स में राज्य के दूर दराज इलाकों से लोग इलाज कराने आते हैं। दरअसल राज्य में कई जगहों पर अस्पतालों की कमी है, इसी वजह से ये अस्पताल लोगों के लिए इलाज ही नहीं उम्मीदों वाला भी है। रिम्स में 2 मई यानी कि शनिवार को अचानक से अस्पताल के नर्सों सहित ज्यादातर कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और इस वजह से 2 दिनों में अस्पताल में कुल 26 लोगों की मौत हो गई। इलाज कराने के लिए आई गर्भवती महिलाएं, बच्चे और गंभीर रूप से घायल लोग तड़पते रहे, पर कोई सुध बुधवार लेने वाला नहीं मिला। हड़ताल का कारण 2 मई की रात गीता गुप्ता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गीता और उसके पति ने कर्जदारों से तंग आकर जहर खा लिया था। गीता के पति की मौत 2 तारीख को ही हो गई थी, जबकि गीता की हालत गंभीर बताई जा रही थी। गीता का इलाज डॉक्टर उमेश प्रसाद कर रहे थे। उमेश ने तड़के सुबह तक गीता का इलाज किया और गीता के परिवार वालों के हिसाब से डॉक्टर ने गीता को खतरे से खाली बताया। डॉक्टर ने नर्स को इंजेक्शन लगाने को कहा। परिवार वालों के मुताबिक नर्स ने ये इंजेक्शन गलत लगा दिया, जिस वजह से गीता की तबीयत बिगड़ गई और थोड़े देर बाद उसकी मौत हो गई। इस बात को लेकर गीता के परिजनों ने हंगामा और नर्स के साथ हाथापाई शुरू कर दी। देखते देखते अस्पताल के बाकी कर्मचारी आ गए और मामला अस्पताल बनाम आम लोगों का हो गया, जिसके बाद अपनी सुरक्षा की मांगों को लेकर अस्पताल के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। खबरों की माने तो देखते देखते अस्पताल के लगभग 6000 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और बाकी मरीजों की सुध बुधवार लेने वाला कोई नहीं रहा। हड़ताली कर्मचारी किसी को अस्पताल में प्रवेश करने नहीं दे रहे थे। ये मामला सरकार के पास भी पहुंचा, पर सरकार का रवैया बिल्कुल ढीला ढाला सा था। इस वजह से मामले में 2 दिन तक बीच बचाव करने भी कोई नहीं आया। सरकार तो सरकार, विपक्षी नेता भी कम से कम इसे एक मौका नहीं समझ पाए और मामले में उदासीन ही बैठे रहे। फिलहाल 26 लोगों की मौत हो गई है और देश में खुद को गरीब कहने वाले ये नेता आराम से कुर्सी पर बैठकर सिग्नेचर का काम कर रहे हैं।